हेलो एवरीवन, आई रियली होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू दी चैनल। आप देख रहे हैं विजय स्पन लाइफ का एक और नया ब्लॉग। और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ मेरे पापा के साथ टाइल्स चूज़ करने के लिए, क्योंकि दो और रूम में टाइल्स लगने हैं। तो अलग अलग दुकानों में हम लोग घूम रहे हैं टाइल्स चूज़ करने के लिए। फाइनली दो टाइल्स मैंने चूज़ करे। अभी पापा को ऑप्शन दिया मैंने, उन दोनों में से कोई एक वो लगाएंगे। हालांकि मैं वो देख तो नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे निकलना है कुछ ही दिनों में। देखिए, बहुत दिनों बाद ना मैंने स्केच किया और घर में जाके मुझे प्रॉपर स्केच करने का टाइम मिल गया। तो ये समायरा का एक रफ सा मैंने स्केच बना दिया है आज। तो आज है मेरे ससुर जी यानी कि मेरे पापा जी का बर्थडे, और फुल फैमिली के साथ ना आज सुबह सुबह हमारी सवारी ना निकल पड़ी है। वेल, शादी के 10 साल बाद मैं अपने सास ससुर को पहली बार अपने दादाजी के गांव में घुमाने लेके जा रही हूँ। इतना मैंने तारीफ़ किया था इस जगह का कि उन्होंने मुझे बोला था कि विजया, हमें ज़रूर अपने गांव लेकर जाना, हम भी देखना चाहते हैं कैसा है। एक्चुअली मेरे कज़न है, कज़न के छोटा सा बेबी है, उसका आज बर्थडे है। तो एक्चुअली दो बर्थडे सेलिब्रेट करना है। आज शाम को आके हम पापा जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। एंड और एक रीज़न आज गांव आने का ये भी है कि पहली बार सारे के सारे मेरे जो कज़न हैं, जिनसे शायद मैं 10-15 साल बाद मिलूंगी, वो सब टाइम निकाल के आज हमारे गांव में आने वाले हैं। इसलिए और भी आज का जो दिन है ना, वो स्पेशल बन जाता है। एक एक करके मैं सबके साथ आपका इंट्रोड्यूस कराऊंगी। वेल, मैं बुआ हूँ तो मुझे ये टास्क दिया गया कि इस नॉटी से बच्चे को ड्रेस पहनाने का। और ये बहुत क्यूट है और बहुत ही शरारती करता है, क्या बताऊँ। अभी इतनी प्यारी प्यारी बातें मैं सुनूँ या रेडी करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो ये है मेरी मजली बुआ के बेटे, और ये आर्मी में अभी भी सर्विस कर रहे हैं। और अभी जो आके मिलने वाले हैं ना, ये मेरे उसी बुआ के जमाई हैं यानी कि मेरे जिया जी। ये भी नेवी से रिटायर है, अभी ये रिसेंटली और एक जॉब में लगे हैं। तो मेरे ख्याल से ना, मेरे शादी के बाद ही मैं इनसे मिल रही हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर ही हो चुका है। एंड एक एक करके ना सबसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम अपनी बचपन की याद एक्चुअली ताज़ा हो गई। जो गर्मी की छुट्टियाँ थी ना, वो एक साथ दादाजी के घर में यहीं पर स्पेंड किया करते थे। दादाजी का घर तब पक्का नहीं था, कच्चा था, मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन इन्जॉय इतना करते थे ना हम लोग, क्या बताएं। और ये है मेरा कज़न, जिसके साथ मेरा बहुत ही क्लोज़ रिश्ता है। मेरे से एज में थोड़ा ही छोटा होगा ये, और इन्हीं के बेटे का आज बर्थडे है। इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, तो एक एक करके ना सभी से मैं आपका इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। यहाँ देखिए दीदी भी आ चुकी है, सब कज़न एक साथ बैठ के ना, मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई एक्चुअली। और यहाँ पर सब मेरे ससुर जी को बर्थडे विश कर रहे हैं, क्योंकि सबको ना अभी पता चला है कि उनका भी बर्थडे है। तो सब तो प्लान कर रहे थे कि प्रॉपर केक ला के ना उनको ग्रीट करके अच्छे से एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया लास्ट तक, क्योंकि हमने घर में छोटा सा प्लानिंग कर रखा था कि सेलिब्रेट करेंगे। एंड ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कमेंट में ना कोई कंजूसी नहीं चाहिए मेरे को। जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ आज। अब की विजया दी ने बहुत दिनों बाद ना मेकअप शेकअप किया है और साड़ी डाली है। ये वन ऑफ मेरा फेवरेट साड़ी बोल सकते हैं। इस साड़ी का नाम है माधवी लौता, जो पिछले साल मेरी मम्मा ने पूजा में मुझे गिफ्ट करा था। ये वाला तू ये और वो साइड रहे और नामे। अच्छा विदाम तो मैं दादा पेरी गेट दादा पेरी गेट आज तो की किन बैग में हां आते बिना आते बिना आते बिना है।
Come on now. Good girl. Now, Baba. सो केक कटिंग के सेरेमनी के बाद सभी के पेट पूजा का बंदोबस्त भी यहाँ पर किया गया था। प्रॉपर ट्रेडिशनल बंगाली पैटर्न का ही खाना यहाँ पर सर्व किया गया था। यहाँ देखिए मेरी मम्मा कंपनी दे रही है मेरी सासू मोम को, और मेरे पापा जो हैं वो बैठे हैं मेरे ससुर जी के साथ। पूरा गांव एक्चुअली मैंने इनको घुमा दिया है, और आपके साथ मैं पहले भी टूर शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने वो सब वीडियो शेयर नहीं किया। एंड क्योंकि पहली बार मेरे सास ससुर मेरे गांव आए हैं, तो उनकी स्पेशल खातिरदारी यहां पर चल रही है। खाते खाते मेरी सासू माँ का हालत ख़राब हो गया, उन्होंने बोल दिया बस मुझसे तो अभी और कुछ भी खाया नहीं जाएगा। तो बहुत ही मज़ा आया। केक कटिंग के बाद ना गाल में केक लगाने का हमारे बंगाल में ना रिवाज है, और ये है बर्थडे बॉय की मम्मा जिसको जीजा जी केक लगा रहे हैं, मेरे को भी नहीं छोड़ा। और अभी सब कुछ करके ना हम लोग घर वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर मेरे ससुर जी के बर्थडे का सेलिब्रेशन का तैयारी चल रहा है। देखिए एक्चुअली मैं बाहर रेस्टोरेंट में जाके सेलिब्रेट करने का हमने सोचा था, लेकिन किसी में भी इतनी ताकत थी नहीं कि बाहर जाके हम लोग सेलिब्रेट करें। यहाँ पर देखिए पापा भी अपने हाथ में इतना बड़ा सा एक पपीता लेकर आए हैं, और मजाक में बोल रहे हैं कि ये बर्थडे बॉय के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। एक्चुअली गाँव में जो खेतीबाड़ी होती है ना, वहीं से पापा जाके ना बड़ा बड़ा पपीता चूज़ करके लेकर आए थे, तो वही वो अपने हाथ में लेकर आए हैं। अपना जन्मदिन कब है आज में? तुम्हारा बर्थडे तो बैलून टाके थे, दे दे लो आगे थी दीदी लो मम्मी तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। चलो शुरू करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू दादा, दादा ही बोल दादा। सो फ्रेंड्स, घर में बचे खुचे दिन कुछ ऐसे ही हमारा निकला। बहुत ही जल्द नॉर्मल ब्लॉग्स आप लोग के साथ में शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि दिन मेरे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। आई जस्ट होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।